श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई टाइम हो रहा है अभी शाम के तकरीबन 7, एंड भाई तकरीबन रात हो गया ना, रात से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। क्योंकि अभी गाड़ी बठिंडा से आया था, गाड़ी अनलोड करी, फिर लोड करी, फिर अभी चला था मैं कि अब चलते हैं रोपड़ की ओर। और भाई शीशे गंदे हो गए, बारिश ने ना सिर्फ शीशे गंदे किए और कुछ नहीं किया। तो हमारे साथ 94.07 भी जा रही है, अंकु भाई भी इस बार, पिछली बार हो गया था ना उस टाइम क्लिंकर फंसा था, भगवान से दुआ कि इस बार ना फंसे, क्योंकि अपने सूखे फर्श पे बहुत ही गर्म क्लिंकर भरा है। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट। एंड भाई ये चक्कर बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था जो बठिंडा का था, आपने खुद देखा कितनी परेशानी हुई भाई, बहुत गंदी परेशानी हुई। तो अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं टाइम से। Baby got a bounce, just a hit the rocket jet. Set up a head crown, baby no cap. Sick, very good, very sick, no cap. Kick, jigger at the mirror rap, baby mind at the... तो दोस्तों मेरे साथ वाली गाड़ी आ गई अभी ना, देखो 3, 2, 1, उसके बाद करेंगे अपन सिस्टम। मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी उनका, उसके बाद ही अपन यहाँ चलेंगे, चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा गाड़ी को रेस्ट हो जाएगा ना। देखो गाड़ी मैंने वहाँ लगाई सामने, थोड़ा रेस्ट देके फिर अपन यहाँ से मस्त होके आराम से चलेंगे। ये रहे दोस्तों अंकु भाई, भाई ये रहे हमारे भाई बंधु और लाला जी और भाई जी दोनों साथ, और बनु बैठकर बढ़िया बढ़िया। भाई देखा भाई आपकी गाड़ी आगे जाती है, इसमें हवा कम है, हवा कम है इस टायर में। नहीं भाई, भाई मेरे को कम लग रही है भाई ये जी, वो क्या बोलते हैं, वजन इस साइड को, वजन इस साइड, वजन कैसे आप, कैसे बढ़िया बढ़िया जाए रेस्ट देना ना। ये भाई फल्टी क्यों उठा रहे आप, ये जी एयर हवा, हवा क्रॉस हो गया अच्छे से, वेरी गुड, हवा क्रॉस कर दी अच्छे से। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 1, एंड आपका भाई पहुंच गया भरतगढ़। साथ वाली गाड़ी है भाई थोड़ी आगे निकल गई है, क्योंकि मैं आराम आराम से चला हूँ, हमारे पास ब्रेक कम है, इसलिए देखते हैं अभी पहुंच जाएंगे, खाली होगी तो ठीक है, नहीं तो सो जाएंगे, सुबह करेंगे खाली, क्योंकि हमें कल लेदर डलवाने हैं गाड़ी में। तो अभी चलते हैं सीधा ग्राउंड में, पहुँचते हैं टाइम से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं, एंड भाई मैंने गाड़ी अनलोड कर दी, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरे साथ थे उन्होंने पानीपत जाना है कटको लाने के लिए, मैंने तो खाली जाना है, काम करवाना है और गाड़ी की वॉशिंग करवानी है। तो खाली करके अभी डाला लगाने जा रहा हूँ, गर्मी बहुत है भाई कसम से, फिर जाके लैदर डलवाने हैं, एंड भाई क्रॉस भी चेंज करवाना है, बहुत आवाज़ कर रहा था, रात को वॉशिंग करवानी है, फिर अपना नंबर बठिंडा आ गया होगा या फिर कल आएगा, तो परसों तक भरूंगा फिर जाऊंगा। अभी चलते हैं डाला लगाते हैं फिर बनाते हैं सिस्टम। तो दोस्तों मैं पहुंच गया सरसा नंगल, एंड भाई अभी ना पहले भरतगढ़ रुकूंगा, वहां पे कहीं दुकान है यार जहां से मेरे को ना लेदर डलवाने हैं गाड़ी में, ब्रेक शू यानी कि, अब देखते हैं अगर बन गई बात तो वहीं डलवाऊंगा, अदरवाइज वहां से ले जाके देवू भाई के पास डलवाऊंगा ऊपर ही, क्योंकि 4 चक्के यार खुद को खोलने पड़ेंगे। वैसे देवू भाई के पास ऐसा है कि देवू भाई के पास मशीन है, जैक भी देवू भाई लगा देते हैं, तो वही उतार देंगे, मैं घर चला जाऊंगा थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, क्योंकि फिर कल शाम को या परसों बठिंडा के लिए फिर से निकलना है, तो जरूरी है कि पहले काम करवा ले उसके बाद अपन निकले। तो चलते हैं पहले भरतगढ़, थोड़ा सारा भरतगढ़, 5-7-10 किलोमीटर रहा होगा मे बी मुश्किल से। तो भाई पहुंच गया हूँ भरतगढ़, चेक इट आउट, गाड़ी मैंने वहां पीछे लगाई, एंड भाई खुद जा रहा हूँ पता करने, मैकेनिक की दुकान है कहाँ पे पूछ लेता हूँ, फिर तब गाड़ी वहीं पे लगाता हूँ ना। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ कैची मोड़ से आके, एंड भाई लेदर भाई ले आया हूँ, डलवाऊंगा देवू भाई के पास, क्योंकि बराबर ही बात है यार, नीचे टायर खोलने वाला था नहीं, मैकेनिक भी नहीं था, आज आया हुआ उनका, तो मैं ले आया, मैं क्या वॉशिंग करवाता हूँ उसके बाद लेदर डलवाता हूँ देवू भाई के पास, और खाली गाड़ी में ग्रीस भी करवाता हूँ, फिल्टर तो वैसे भी साफ करवा ही दिया था। तो अभी टाइम तकरीबन मेरे हिसाब से 12:45 के आसपास हो रहे हैं, तो 3 बजे तक तो मैं पहुंचना चाहिए, वैसे 3 से पहले पहुंचना चाहिए, मगर 3 मैंने मान के चला हूं कि 3 बजे में पहुंचना चाहिए, तो अपना सफर निकालते हैं बढ़िया। अब तो दोस्तों ओवरटेक करने से भी डर लगता है भाई, उस दिन का सीन देखने के बाद ना, यहीं पे वो सीन हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहीं पे लगी है वो गाड़ी, एक्सीडेंटल गाड़ी भी दूसरी थी, जिसने टक्कर मारी थी उसको तो ले गए हैं, मगर दूसरी गाड़ी जिसमें मारी थी वो यही है। एंड भाई आप देखो ये तो बेचारा ना ऐसे ही रगड़ गया, देखो कितनी साइड में, बिल्कुल अंदर कर दिए गाड़ी भाई,
देखो तो भाई सीन ये बहुत ही खतरनाक सीन हुआ था, बहुत ही खतरनाक सीन। आगे से भी ये गाड़ी खत्म है एंड भाई हो रही सामने गाड़ी जिसके साथ टक्कर हुई थी, देख रहे हो भाई। ड्राइवर का नहीं है पता ठीक होगा या क्या हालत होगी, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते भाई। आज के टाइम में नहीं पता लगता, नहीं किस्मत का कब जैसे क्या हो जाए एकदम से, या ना भगवान, चलो भगवान सबको लंबी उम्र दे, हमारी यही दुआ है। तो दोस्तों पहुंच गया राजीव भाई के घर से आगे एंड भाई सोच रहा हूँ कि लेदर डलवा लूंगा गाड़ी में। अरे भाई साहब ये क्या सीन है भाई, भाई इस पॉइंट पे ना हमेशा ऐसा सीन हुआ रहता है, कभी ना कभी मैंने बहुत बार देखा, कभी बस कभी कार इसी पॉइंट पे। दोस्तों पहुंच गए रिमोई के पास और भाई लेदर डलवाएंगे यहाँ पे, अभी निकाल रहे देखो एक साइड के डालेंगे अभी पहले। देखो दोस्तों वहाँ पे तेल से सफाई हो रही है, पैरिंग वगैरह साइड में रखे हैं एंड भाई अभी ऑयल सील लगेगी तब जाके फिर लेदर पड़ेंगे इस चक्के के। फेरी तो दूसरे चक्के के लेदर भी पड़ गए। अब दोस्तों फ्रंट टायर में डाल रहे हैं और भाई फ्रंट टायर में आपको बताऊं कितने से लेदर रहे हुए हैं, देखो बस यही है जो है, देखो यही बचा है जो भी है, इतने से लेदर रहे हुए फ्रंट में। तो दोस्तों ब्रेक शू डलवा के आ गया, अब गाड़ी ले जाऊंगा भाई जहाँ वॉशिंग होगी, वॉशिंग तो कल ही होगी मगर ऐसा है कि सर्विस स्टेशन पे गाड़ी लगाऊंगा फिर कल जाऊंगा वहां पे। दोस्तों अभी कुछ ऐसे रोड में जा रहा हूँ जो रोड दाड़ला मोड़ से बागा के लिए जाता है उसमें जा रहा हूँ वॉशिंग करवाने के लिए। भाई यहाँ पे ना एक सर्विस स्टेशन पे बहुत ही बढ़िया वॉशिंग करते हैं तो वहीं पे करवाऊंगा वॉशिंग, यार बहुत बुरी हालत है गाड़ी की, अच्छी तरह से साफ सुथरी करवा लूंगा इसको। तो भाई गाड़ी अपनी वॉशिंग के लिए लग चुकी है मगर वॉशिंग क्या हाफ चक्कर है, सुबह होगी क्योंकि रात हो गई है 7:30-8 बजने लग गए तो सुबह आना पड़ेगा फिर से, पूरी वॉशिंग कराऊंगा फिर कल या परसों तक लोड करूंगा। अभी बिक्की भाई मेरे को लेने आ रहे हैं, उनके साथ निकल रहा हूं घर की ओर। भाई पूरा हाल हो गया, देख रहे कितने दिन हो गए आज गाड़ी पे, तो चलते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं। दस दिन हो गया अगला एंड भाई सुबह के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं एंड आ गए हूँ अपनी गाड़ी के पास, चेक मारो वॉशिंग करवाने। और सबसे बैड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि बठिंडा में गाड़ियाँ लोड नहीं हो रही है, बैकलोड टाइम से नहीं मिल रहा है, अनलोड तो हो जा रही है, मेरे को फ़ोन आया था बंदे का। और दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि बेला वाला रोड बंद है, कोई और रोड लेना पड़ेगा, मुझे कोई आईडिया नहीं कौन सा रोड लेना पड़ेगा। तो आज वॉशिंग करवाएंगे, लोड भी कर लेंगे और जाएंगे कल। तो अभी वॉशिंग करवा के फिर देखते हैं घर को जाएंगे, ग्रीस वगैरह करवा के घर चलेंगे, आज रेस्ट मारेंगे कल निकलेंगे बठिंडा के लिए। लुक बहुत ही बैड न्यूज़ है कि गाड़ियाँ लोड नहीं हो रही है, बहुत लेट लोड कर रहे हैं गाड़ियाँ। दोस्तों अंदर सारे सीमेंट जम गया था, देखो तो हर तरफ को उसको उखाड़ रहा हूँ, हाथ में ये प्रोग्राम है ना, सारा उखाड़ के तब अच्छा से साफ हो जाएगा पूरा फर्श। तो दोस्तों अंदर भी मैंने पानी मार दिया पूरे चैलेंज को, अब रहता है बार बार से फ्रंट फ्रंट में, जैसे ये लोग देखो फ्रंट में लग रहा है अब उसके बाद फ्रंट में हो जाएगा फिर अपना काम कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों वॉशिंग तो हो गई है मगर वह बारिश लग गई, बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, फिर से गाड़ी गंदी हो जाएगी जाते जाते एंड भाई ग्रीस करवा रहा हूँ और ग्रीस करवाने के बाद यहाँ निकल जाएंगे अपन, नहाएंगे धोएंगे घर जाके बढ़िया। तो दोस्तों वॉशिंग करवा के निकल चुका हूँ, ग्रीस भी करवा ली, अब जा रहा हूँ वापस दाड़ला के लिए, गाड़ी लोड करनी है मगर बारिश लगी है भाई, बारिश में गाड़ी लोड वैसे की नहीं जाती, नहीं माल फंस जाता है आपको पता है। तो देखता हूँ बारिश बंद हो जाएगी, फर्श सूख जाएगा तब जाके गाड़ी लोड करूंगा, भाई कार वाले ने ना टेढ़ी कर दी कार अपनी सड़क में, बंदे अजीब सी गाड़ी चलाते हैं यार, इनको दिख रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है तो पीछे ही रुक जा। तो दोस्तों ये रही गुल्लू भाई गाड़ी, मैं यहाँ रुका था चाय पीने के लिए और अपनी गाड़ी अपने वहां लगाई हुई एंड हम गुल्लू भाई से ना बुरांदे लेने वाले हैं, अपनी गाड़ी में बांधेंगे, ये बंदा दे नहीं रहा है यार, इस बंदे से कब से मांग रहा हूँ मैं क्या दे दे, अगर दे रहा है नखरे मार रहा है ओ भाई। तो दोस्तों आज का दिन भी यूं चला गया, शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं तो अभी जा रहा हूँ मेडिकेम के ऑफिस तक कुछ काम से
मतलब उसके बाद ही नहाऊंगा तब दाड़ला जाऊंगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, चैनल करें सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए जय श्री राम।